नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एगॉन गेमिंग में। तो जीटी 5 के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही था कि हमें जो है डेविन ने दिया हुआ था 4 गाड़ियों को चुराने का काम, बट उसमें से जो है हमने सिर्फ 3 ही गाड़ियां चुराई हुई थी। तो हम जो है लास्ट वाले एपिसोड में गए हुए थे एक और गाड़ी को चुराने के लिए, और वो जो गाड़ी है उसको चुराने के लिए हमने जो है पुलिस का हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। उसके बाद जो है जिस बंदे के पास गाड़ी होती है उसकी जो आइडेंटिटी है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है उसकी जो गाड़ी है वो हम चोरी कर लेते हैं। गाड़ी को चोरी करने के बाद उस गाड़ी को जो है हम लेके पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर, जहां पर कि यहां पे डेविन का हैंगर होता है। उस हैंगर में जो है हम गाड़ी जो है दे देते हैं डेविन को, और उसके बाद जो है एक बढ़िया सी गाड़ी बाहर की तरफ रखी होती है स्पोर्ट्स कार, उसको जो है हम लेकर आ जाते हैं। तो आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो स्पोर्ट्स कार थी जो कि मैं लेकर आया था लास्ट टाइम वो ये रही, और ये वाली जो कार है काफी ज्यादा मस्त भी लग रही है मुझे। इसी वजह से मैं सोच रहा हूं इस गाड़ी को जो है गैरेज में रखाऊं, बट गैरेज में रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो है अभी फिलहाल के लिए इस गाड़ी को जो है चला सकता हूं शहर के अंदर। बट गाड़ी को चलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आज हमें जाना है माइकल के पास, क्योंकि यहाँ पर जो अपना सोलोमन रिचार्ड्स है वो यहाँ पे उससे मिलने के लिए जाना है यहाँ पे माइकल को। तो फटाफट से यहाँ पर जो है माइकल के पास चल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा था ये जो माइकल है ये अपने घर पर होगा, बट अभी ये जो माइकल है ये अपने घर पर नहीं है। यहाँ पर ये जो है लाइक बढ़िया धूप में जो है अपनी बॉडी को विटामिन डी ले रहा है मतलब। और राइट, तो फटाफट से जो है अभी मुझे सोलोमन के पास जाना होगा, बट मैं ये वाले जो कपड़े हैं ये पहन के नहीं जाने वाला। मेरी शर्ट के जो पूरे बटन है ये यहाँ पर खुले हुए हैं, इसको तो मैं लेकर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला इन कपड़ों को पहन के। तो फटाफट से यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर बैठ के मैं अपने सबसे पहले घर पर चल लेता हूँ। वैसे घर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले जो है मैं मैप में एक बार मार्क लगा लेता हूँ। अगर सोलोमन के घर के रास्ते में अगर मुझे कहीं कपड़े की शॉप मिल जाती है तो उस कपड़े की शॉप पर जो है मैं अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह परचेस कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर चला जाऊँगा सोलोमन के पास। तो फटाफट से जो है अपने मैप में जो है चेक कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है मैंने मार्कर तो लगा लिया है, और जो कपड़ों की शॉप है वो ज़्यादा दूर नहीं है सोलोमन के घर से। तो फटाफट से जो है मैं सबसे पहले तो कपड़े वाली शॉप पर चल लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आगे वाली गली में ही यहाँ पर जो कपड़े वाली शॉप है वो यहाँ पर है। और अगर मैं अभी डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि जो रिचर्ड सोलोमन है ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डायरेक्टर है, और इतने बड़े डायरेक्टर से अगर मैं मिलने जा रहा हूँ तो मुझे ज़रा ढंग के अपने लिए कपड़े वगैरह पहन लेने चाहिए, कम से कम सूट वगैरह तो होने ही चाहिए। ऑल राइट, तो मुझे दुकान नहीं दिख रही है ये वाली कपड़ों वाली, शायद से ये है क्या। ऑल राइट, ये कपड़ों की दुकान। फटाफट से अपनी जो गाड़ी है यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, और अभी चलता हूँ यहाँ पर अपने लिए कुछ बढ़िया सा जो है सूट वगैरह लेने के लिए। सूट किधर मिलेंगे वैसे मुझे? अगर मैं स्पोर्ट्स वेयर परचेस करना तो मैं नहीं चाहता, एक काम करता हूँ यहाँ पर इनमें से कोई कपड़े वगैरह जो है चेक कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो सूट है ये तो मैंने परचेस कर लिया है, और जो सूट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से। जो मेरे सनग्लासेस हैं वो यहाँ पर इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कि घड़ी वगैरह रखी हुई है क्या? बट वैसे मुझे घड़ी वगैरह की तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मैं घड़ी वगैरह तो नहीं परचेस करने वाला। इस साइड में यहाँ पर टायर वगैरह रखी हुई हैं तो इनकी भी जो है मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे हैंकी वगैरह रखे हुए हैं, इस साइड में देखा जाए तो स्पोर्ट्स वियर हैं, और यहाँ पर जो है स्वेटर वगैरह रखे हुए हैं, तो स्वेटर वगैरह नहीं चाहिए मुझे। जूते वगैरह एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो जूते हैं ना यहाँ पे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर ना ब्लैक जूते काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी कुछ ज़्यादा ढंग के नहीं लग रहे हैं। तो मुझे बढ़िया से जूते यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने चाहिए। अगर मैं पूरी ब्लैक ड्रेस पहन के जा रहा हूँ ना, तो ब्लैक के ऊपर जो है मेरे हिसाब से मुझे ये वाले जो जूते हैं ये परचेस कर लेने चाहिए, यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। ऑल राइट, और यहाँ पर भी अच्छे खासे सूट वगैरह हैं, तो अगर मैं इनमें से कोई सूट चूज़ करता हूँ बढ़िया एकदम महंगा वाला तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड, शायद से मैंने जो है सिर्फ नीचे का पैंट ही वहाँ चेंज किया था, तो यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ के लिए भी एक ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से जो सबसे बेटर है वो ये वाला लगेगा। ऑल राइट, अभी जो है ये मेरे जूतों से भी जो है मैचिंग मैचिंग कर रहा है, तो अभी जो है मैं इसको परचेस कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने परचेस तो कर लिया है, और अभी जो है मैं यहाँ पर चल लेता हूँ बाहर की तरफ। इन्होंने जितने भी सूट वगैरह ना ये सारे के सारे इम्पोर्ट कर रखे हैं। एक सेकेंड, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, तो मैं काम करता हूँ सोलोमन से जो है मिलने के लिए यही वाली गाड़ी लेके चलता हूँ। इसका कांच तोड़ना पड़ेगा बस। ऑल राइट, किसी को बताते बताते चला नहीं है, और ये जो है एक टाइप की स्पोर्ट्स कार है, तो यहाँ पर जो है गाड़ी को मैंने चालू भी कर लिया है। और राइट, जो उसका हॉर्न है वो भी यहाँ पे बंद हो गया है, और अभी जो है यहाँ पर चलता हूँ मैं सोलोमन से मिलने के लिए। शायद से वो जो है मुझे जानता तो होगा नहीं, क्योंकि डेविन ने हमारे बारे में उसको तो बता दिया होगा कि आखिर में हम कौन हैं और उसके लिए आखिर में क्या काम करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मुझे जो है ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक सेकेंड, मैं गलत रास्ते से आ गया, कोई नहीं आगे से कट ले लूँगा। ऑल राइट,
यहाँ से जो है मुझे एक यू टर्न लेना पड़ेगा पीछे की साइड, ठीक है। और जो सोलोमोन का घर है वो ये वाली गली में नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। हाँ मुझे देखना होगा, एक सेकंड, ये सोलोमोन का बोर्ड तो नहीं लगा हुआ है, कौन सा घर हो सकता है उसका? ये वाला घर भी नहीं लग रहा है, ये वाला घर भी नहीं लग रहा है, मुझे एक बार पीछे चलकर देखना चाहिए। एक सेकंड, शायद से मुझे इसके अंदर जाना चाहिए क्योंकि बाहर की तरफ से तो मैं नहीं जा सकता हूँ। खोल रहे फटाफट से, खोल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। ऑल राइट, तो ये रहा यहाँ पर सोलोमोन का घर। तो फटाफट से अपनी जो गाड़ी है बढ़िया वाली ये पार्किंग में लगा देता हूँ। वैसे इसके पास भी ज़्यादा कुछ खास गाड़ी नहीं है इतना बड़ा डायरेक्टर होने के बाद भी, मतलब मेरी गाड़ी जो है इससे ज़्यादा बेटर लग रही है। बस मेरी गाड़ी का जो कांच है ये यहाँ पर टूटा हुआ है। अभी जो है इस गाड़ी को जो है बंद करके अंदर की तरफ चल लेता हूँ। बट ये वाली जो गाड़ी है ये यहाँ पर रखी हुई ये भी बढ़िया लग रही है, बट उतनी अच्छी नहीं है। और शायद से ये भी यहाँ पर सोलोमोन से मिलने के लिए आए होंगे। ऑल राइट, तो फटाफट से जो है मैं अंदर की तरफ चल लेता हूँ इस सोलोमोन से मिलने के लिए। Hello. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. ठीक है, तो यहाँ पर एक गेम खेल रहे हैं। Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is going to kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. ठीक है, तो ये अपनी मूवी की स्टोरी बता रहा है शायद। It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies, with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। और इसका एक बंदा है जिसका नाम जो है कुछ अटांग पटांग है, यानी कि कुछ ऊट पटांग वाला नाम है, और यहाँ पर जो है ईस्ट में रहता है वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोनों में से कौन सी गाड़ी ले जाऊँ, क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है ये भी मुझे बढ़िया लग रही है, बट मुझे जो है इसका भी लॉक वॉक तोड़ना पड़ेगा। और जो सोलोमोन है ये मुझसे फालतू में नाराज़ हो जाएगा, तो मैं जो है अपनी ये वाली गाड़ी लेकर चला जाता हूँ। शायद से किसी ने ना इसको वहाँ पर पार्क थी तो किसी ने इसको यहाँ पर पार्क कर दिया है, बट कोई नहीं, अभी जो है इसको जो है मुझे लेकर जाना है। बट इस गाड़ी के जो है टायर अभी जो है एकदम स्लिप होंगे। ऑल राइट, तो अभी तक ये जुड़ा नहीं है, फालतू में मैंने उसका जो बैरियर है फालतू में तोड़ दिया था। ठीक है, इसका कॉल आ रहा है तो फटाफट से पिकअप कर लेता हूँ। I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set, ideally in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton,
are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. All right. तो यहाँ पर जिस बंदे को अभी हमें जिस बंदे के पास जाना है उसका नाम यहाँ पे पेलोसी है और वहाँ पे जो एंटन और मिल्टन है ना वो भी वहाँ पर रहेंगे, मतलब वो भी यहाँ पे इस सोलोमन के साथ काम कर रहे थे, बट अभी ना जो है इन्होंने मना कर दिया है काम करने से एक मूवी के ऊपर, इसी वजह से यहाँ पर जो है अभी हमें उनके पास जाना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि हम उनको लोग कि उन लोगों को जो है यहाँ पे काम करना चाहिए पेलोसी के साथ यानी कि अपने रिचर्ड्स के साथ। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है मैं लगभग लगभग पहुँच चुका हूँ उस पेलोसी के स्टूडियो में, बस जो है मुझे सीधा सीधा चलते जाना है और आगे के साइड ही जो है वो मुझे मिल जाएगा। ऑल राइट, मुझे इस साइड में मिलने वाला है वो। ऑल राइट, तो इधर ही किधर होना चाहिए उसका स्टूडियो, बट मुझे जो है दिखाई तो नहीं दे रहा है, थोड़ा और आगे के चलने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से मुझे। ऑल राइट, ये रहा शायद उसका स्टूडियो, ठीक है। तो मुझे जो है यहाँ पर एकदम आराम आराम से जाना होगा क्योंकि उसने बताया है कि अगर हम जो है उसे पता चल जाएगा कि अगर हम आए हुए हैं तो वो जो है हमें घुसने नहीं देगा और उसके जो बंदे वगैरह हैं वो यहाँ पर हमें मार देंगे। एक सेकंड, ये हेलीकॉप्टर में कौन बैठा हुआ है? और राइट शायद से जो एंटन और मिल्टन है ना वो यही है और ही शायद से पेलोसी हो सकता है। I gotta go grab something inside. Gianni, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. All right, तो यहाँ पर ये जो है एंटन और मिल्टन को शायद से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा के नीचे की तरफ चला गया और यहाँ पर जो है अभी हमें हेलीपोर्ट के पास जाना पड़ेगा, मतलब हेलीपैड के पास, बिना रैको को पता चले। जो रैको है वो वही बंदा था जो कि शायद से अभी अंदर की तरफ गया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर बंदे हैं तो मुझे जो है आराम से एकदम चलना चाहिए, बट उससे पहले जो है मुझे यहाँ पर अपनी कोई गन वगैरह निकाल लेनी चाहिए। ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से स्नाइपर ज़्यादा बेटर रहेगी, बट स्नाइपर से बेटर जो है अपनी असॉल्ट राइफल बेटर रहेगी क्योंकि इसमें जो सप्रेसर है वो भी इसमें लगा हुआ है। ऑल राइट, तो मुझे जो है यहाँ पर आराम से चल लेना चाहिए, ठीक है। ये गया, ये भी गया। ऑल राइट, दोनों को जो है मैंने मार दिया। अभी मुझे यहाँ पे किसी को पता नहीं चलने देना है कि मैं जो है यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो वो जो रोबोसो है ना, सॉरी उसका नाम रॉको था शायद, ऑल राइट, उसको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई और बंदा तो नहीं है ना? एक सेकंड, यहाँ पे एक बंदा और है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। ऑल राइट, ये भी गया। अभी जो है मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि शायद से इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर है हेलीपैड। ऑल राइट, एक सेकंड, यहाँ पे और बंदे आ गए, ठीक है। ये गया और ये भी गया, किसी को पता भी नहीं चला, मतलब उस रॉको को पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर आगे की तरफ भी सीढ़ी है और इसी के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर होना चाहिए। एक बार चलकर जो है चेक कर लेता हूँ कि इसके ऊपर हेलीकॉप्टर है या फिर नहीं है। वैसे आवाज़ तो मुझे आ रही है वहाँ से, चलकर देख लेना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पर दो बंदे हैं। ऑल राइट, हे यू आर मिस्टर रिचर्ड्स हैज बीन वरीड सिक, क्लब एन ओपन स्नोबर्ड। ऑल राइट, जो रोको है ये भी आ चुका है। हुज दिस जैकएस? हे यू, ओ टर्न्स आउट दीस गाइस आर इन लव विद देयर कॉन्ट्रैक्ट, सो दे विल बी गोइंग बैक टू द सेट विद मी। कैन यू बिलीव दिस फकिंग क्लाउन? No, this guy's all mine. ठीक है, तो ये मुझसे बिदने आया है, ठीक है, तो अभी गया ये। ऑल राइट, ये ले, ये ले और ले, ये ले, ये ले। एक सेकेंड, ये मुझे मार तो पाएगा नहीं वैसे, मैं इसको इतना मारूंगा। ऑल राइट, ये ले, ये ले, इसको कुन्ने में बिदा दिया मैंने। I'll go easy, old man. ऑल राइट, ये ले, ये ले और खाएगा, ये पकड़, ये पकड़, ये ले, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका जो काम है वो हो गया है। Spray tan. We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. All right, yeah. Okay? Sure, man, sure. All right.
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उस रॉको को तो यहाँ पे निपटा दिया है और वो जो है अंदर की तरफ जा चुका होगा। और यहाँ पे जो एंटन और मिल्टन है ना, ये यहाँ पर शायद से पेलोसी के लिए काम कर रहे थे पहले, बट अभी जो है ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको जो है मैं लेके जाने वाला हूँ रिचर्ड्स के स्टूडियो में। और रिचर्ड्स में स्टूडियो की मतलब रिचर्ड्स के स्टूडियो में जाने से पहले मुझे जो है इनको कन्विंस करना होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो मुझे जो है इनको हाई स्पीड में लेकर जाना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा हाई स्पीड हो सकती है उतनी हाई स्पीड। ऑलराइट, और जितनी ज़्यादा नीचे अगर मैं इनको लेकर चलूँगा ना उतना ज़्यादा बेटर है, ये जो है उतनी ही जल्दी यहाँ पे डरेंगे मुझसे। ऑलराइट, तो अभी भी ये जो है थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं बट पूरी तरीके से जो है नहीं डर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी जो है इनको थोड़ा बहुत डर जो है लगने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है रेडी हो चुके हैं काम करने के लिए सोलो मैन के लिए। अभी जो है मुझे इनको लेकर जाना होगा स्टूडियो में, और जो स्टूडियो का रास्ता है वो जस्ट मेरे पीछे है, तो फटाफट से जो अपना हेलीकॉप्टर है इसको यहाँ पे मोड़ लेता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, तो मुझे जो अपना हेलीकॉप्टर है यहाँ पे लैंड करना होगा। अभी इस हेलीकॉप्टर को तो जो है मुझे नीचे की तरफ जो है लैंड करा देना होगा आराम से, बिल्कुल भी ठुकना नहीं चाहिए, अगर ठुक जाता है ना तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मर जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों के दोनों यहाँ पे मर जाएं। ऑलराइट, तो मैंने जो हेलीकॉप्टर है वो तो यहाँ पे लैंड करा दिया है, बट मेरे हिसाब से मैंने जो है इसको गलत जगह पे लैंड कराया है, मुझे ना थोड़ा सा आगे की तरफ लैंड कराना चाहिए। ऑलराइट, थोड़ा और आगे, बस 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 इतना काफ़ी होगा। अभी जो है यहाँ पर मुझे इन दोनों को लेकर जाना है सोलोमन के ऑफिस में, और यहाँ पर जो है वो इन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है, इतना तो पक्का है। How about I call my guy, going a little jolly, and call Solomon from wherever I wake up? अबे जल्दी आओ नहीं तो तुम्हें मैं उड़ा दूंगा। जल्दी आओ पीछे पीछे। And we go flying again. फटाफट। If you even look like you fail a piss test at any point on this shoot. चलो। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी फटाफट फटाफट। All right, तो जो सोलोमन है ये भी यहाँ पर बाहर की तरफ ही खड़ा हुआ था। Anton, my boy, you're an artist. I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो माइकल है ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया है क्योंकि जो है अभी इस रिचर्ड्स को यहाँ पे चाहिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर कह सकते हैं, तो उसको जो है यहाँ पर ये चाहिए और उसने यहाँ पे जो माइकल है इसको ऑफर दे दिया है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर ये जो माइकल है काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। अभी देखना ये है कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर बन के। फिलहाल के लिए जो गाड़ी थी ना वो यहाँ से गायब हो गई है, अच्छी वाली गाड़ी थी, और मेरी जो गाड़ी है उसको भी मैं वहाँ पर छोड़ आया हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे जो है यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह ले लेनी चाहिए, या फिर मैं इस हेलीकॉप्टर को भी लेके जा सकता हूँ। एक सेकंड, शायद से ये मार्टिन का कॉल है, फटाफट से जो है बात कर लेता हूँ। Good.
I need to see you. Come to La Fuerta Blanca, my ranch off Senora Road, and bring Mr. Clinton. Hey, look. Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. All right, there's another guy. Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. I'll have my people messenger him. ऑल राइट तो यहाँ पर ये जो है मुझे कहीं बुला रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इसके पास जाना चाहिए और यहाँ पर ये जो है लाइक ट्रेवर को बुलाना चाह रहा था बट मैंने जो है इससे मना कर दिया कि ट्रेवर को जो है बुलाने की लाइक फ्रैंकलिन को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमने जो है उसे ट्रेवर के बारे में बता दिया तो अभी जो है हमें वहाँ पर जाना है बट उसके पास जो है मैं जाने वाला हूँ GTA 5 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए क्या मुझे यहाँ पर इस बंदे के पास लेकर जाना चाहिए अपने फ्रैंकलिन को या फिर नहीं, इसके बारे में जरूर से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और मैं आपको मिलता हूँ GTA 5 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।